नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रिप्टो युग के अंदर। आज शिबा इनू की भी बात करेंगे। शिबा इनू ₹1 1 बहुत बातें हो गई, लेकिन उसके ऊपर बात करना जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके साथ में रिसेशन की बात करूंगा। मार्केट में बहुत लोग बोल रहे हैं कि रिसेशन आ चुका है, इस तरीके का मार्केट हो गया है कि यहाँ पे तो कुछ भी हमको ट्रेड लेना ही नहीं है, मार्केट में उतरना ही नहीं है। तो इसके ऊपर भी आपके जितने डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। शिबा इनू की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे साथ में। एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम यहाँ पे डॉज कॉइन की भी, क्योंकि डॉज कॉइन की भी कुछ ऐसी न्यूज आ रही है जो कि डेफिनेटली आप लोगों को पता होनी चाहिए यदि आप लोग यहाँ पे डॉज कॉइन के अंदर होल्डिंग करके बैठे हो। और उसी के साथ में मार्केट में बिटकॉइन की क्या हालचाल है, क्योंकि बिटकॉइन जिस तरीके से नीचे आ रहा है और जिस तरीके से अपने एक लेवल पे बना हुआ है, वहां से बिटकॉइन ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा, उसके ऊपर बात करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पे रिसेशन की, क्योंकि मार्केट में एक बहुत बड़े तबके द्वारा एक हवा फैलाया गया है कि यहां पे इस वक्त बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको यहां पे ध्यान होनी चाहिए। देखिए, मार्केट की आपको साइकोलॉजी स्टडी करनी आनी चाहिए। यदि आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करती है और क्रिप्टो के अंदर एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि यदि आप आज के टाइम पे देखोगे तो जितने भी बड़े लार्ज कैप कॉइन्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज में इंक्रीमेंट है, ना कि डाउन हो रहे हैं। इथेरियम की मैं बात करूं या फिर जितने भी बड़े कॉइन्स की आप बात करोगे तो पिछले यदि आप 24 घंटे का हिस्ट्री उठा लो या 7 दिन की हिस्ट्री उठा लो, उनके अंदर इंक्रीमेंट ही हुआ है। 10%, 5%, 15% उनके अंदर इंक्रीमेंट ही हुआ है। कल मैंने आपको एक कॉइन बताया था जिसका नाम है फाइल कॉइन। वो मैंने आपको वीडियो में बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला था कि इसको उठा लेना और एक ही दिन के अंदर लगभग 20% का ये ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुका है। Once more. कल का वीडियो आप लोग प्लीज चेक कर लेना एक बार फिर से। उसके अंदर और भी 4 कॉइन्स बताए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं बात करूं मार्केट की साइकोलॉजी की, तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी। इस मार्केट के अंदर हमने इस क्रिप्टो के बियर मार्केट का जो ये साइकिल इस बार करा है उसके अंदर हमने बहुत कुछ चीजें देख ली है। और मेरा ये मानना है, देखिए मेरा मानना है, हो सकता है ये गलत भी हो जाए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमने जितने लोस देखने थे वो लगभग हमने काफी लोस यहां पे देख लिए इस मार्केट के अंदर। क्योंकि सबसे पहले लूना का क्रैश होना, उसके साथ में उसका यूएसटी जो उसका स्टेबल कॉइन था उसका क्रैश होना, उसके बाद में हमने सेल्सियस नेटवर्क को यहां पे क्रैश होते हुए देखा, और उसी के साथ में हमने मार्केट में यह भी देख लिया कि बिटकॉइन को यहां पे बहुत बड़े लेवल के अंदर, मैसिव लेवल के अंदर यहां पे टेस्ला ने सेल ऑफ कर दिया। तो ये जितने भी बड़े फैक्टर्स हैं जहां से मार्केट में सेल ऑफ बहुत ज्यादा लेवल पे हुआ, उसके बाद भी बिटकॉइन ने एक लेवल को पकड़ के रखा जो कि लगभग आप कह सकते हो कि यहां पे $17,000-$18,000 के आसपास बिटकॉइन रेंज करता हुआ नजर आया, और उसके बाद हमने फिर से बिटकॉइन को $24,000 के आसपास देखा। लेकिन आज के टाइम पे एक बार फिर से यहां पे बिटकॉइन जरूर $25,000 को टेस्ट करेगा, उसके ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं ये नहीं मानता अब कि लोअर जो हमारा एंड है वो यहां पे और बिटकॉइन में आपको नजर आएगा, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। लेकिन हो सकता है कि मार्केट अलग बिहेव करे, वो डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। अभी भी मेरे पास काफी क्वेश्चन आ रहे थे कि फेड ने जो इंक्रीज किया है रेट्स के अंदर, उसके बाद भी आपने देखा होगा गोल्ड के प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है, सिल्वर के प्राइस में यहां पे तेजी आई है। नहीं उसी के साथ में बिटकॉइन में भी उसी दिन फटाफट एकदम से मार्केट ने पंप ही लिया था, डंप नहीं हुआ था। उसका क्या रीजन है? देखिए मार्केट में जो लोग बोलते हैं ना, जब एक साथ भीड़ एक चीज को बोल रही है तो हमेशा मार्केट उसके विपरीत में चलता है। एक चीज याद रखिएगा, जब ज्यादा लॉन्ग के पोजीशन ओपन होते हैं ना तो शॉर्ट वालों को फायदा होता है, और जब ज्यादा शॉर्ट वाले ओपन होते हैं तब लॉन्ग वालों को फायदा होता है। तो ये मार्केट की साइकोलॉजी है, आप चाहे किसी भी मार्केट में चले जाओ एक विपरीत ही चीज होती है। तो यहां पे यही चीज हुई है, 0.75% का जो इंक्रीमेंट था वो ऑलरेडी लोगों को पता था। सभी जितने भी क्रिप्टो के बड़े बड़े यहां पे मजे हुए खिलाड़ी थे उन सबको पता था, बाकी जितने भी होल्डर्स थे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं सभी को पता था 75 BPS का इंक्रीमेंट होना था, और वही चीज एक्चुअली में हुई। और उसके बाद में जो फेड की कॉमेंट्री थी, मैंने आपको एक टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट नोट भेजा था, यदि आपने चेक नहीं किया तो ये टेलीग्राम का हमारा ऑफिशियल अकाउंट है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सब कुछ यहां पे फ्री में मिलता है आपको। यहां पे एक नोट भेजा था, इसको आप चेक करना। उसके अंदर मैंने साफ साफ बोला था कि जो फेड की कमेंट्री होगी वो भी बहुत बड़ा यहां पे मैटर करेगी कि वो किस तरीके से बात करते हैं जब वो इंक्रीज करते हैं रेट्स को। तो फेड ने यहां पे साफ कर दिया कि अब आने वाले टाइम के अंदर उतने ज्यादा आपको रेट्स के अंदर हाइक नजर नहीं आने वाली। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसके बाद मार्केट में उतना ज्यादा आपको लॉस होते हुए नजर नहीं आया, बल्कि मार्केट विपरीत दिशा में चला गया। अब मैं बात कर लेता हूं शिबा इनू के ऊपर।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर शिबा इनू की मैं बात करूंगा इसलिए क्योंकि शिबा इनू के अंदर लगातार लॉन्ग टर्म होल्डर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन आपको चेक करना है तो इसके चार्ट पैटर्न पे आ जाइए, यहीं पे आपको दिख जाएगा। चार्ट पैटर्न में जब आप देखोगे, जब तक इसका ऑल टाइम की मैं बात कर रहा हूँ चार्ट, यदि आप स्टडी करोगे तो आज के टाइम पे उस लेवल पे आ चुका है जहां से नीचे गिरना लगभग यहाँ पे आप कह सकते हो कि नहीं होगा। यहां से अप ट्रेंड जरूर यहाँ पे शिबा इनू ले सकता है। साथ में शिबा इनू की एक और यहाँ पे बड़ी न्यूज है कि शिबा इनू ने 225 मिलियन शिब को डेड वॉलेट में यहाँ पे लॉक कर दिया है, यानी कि उनका जो बर्निंग रेट है वो 414% से यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके बाद जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स है वो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नजर आते हुए हमको नजर आ रहे हैं। तो एक चीज आपको नोट करनी है, यदि आप शिबा इनू के अंदर अभी बने हुए हो तो डेफिनेटली बने रहना क्योंकि ये आपको डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म यहाँ पे करने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूँ डॉज कॉइन की, क्योंकि डॉज कॉइन की बात करना बहुत जरूरी है। डॉज कॉइन के अंदर काफी वक्त हो चुका है, कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। और यहाँ पे डॉज कॉइन के अंदर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि डॉज कॉइन में काफी टाइम से लोगों का ये मानना है कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे निकाल के आउट हो चुके हैं। तो इट्स अ टाइम टू गेट आउट ऑफ द डॉज, मेजोरिटी लोगों का यही मानना है, क्योंकि डॉज के अंदर ना तो कोई ऐसी बड़ी इनके डेवलपमेंट आ रही है, ना ही इसको इतना कोई मार्केटिंग के तरीके से इसको प्रमोट किया जा रहा है आज के टाइम पे। अरे कहना क्या चाहते हो, डॉज के अंदर केवल हमको उसी टाइम ट्रेड लेनी है जब उसके अंदर कुछ ऐसा हवा बनता है या फिर कोई ट्वीट आ जाता है, तो उस टाइम आप ट्रेड लेके फटाफट इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन मैं कभी भी आपको डॉज कॉइन के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से नहीं बोलूंगा। अब मैं आ जाता हूं फटाफट कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर। बिटकॉइन की फिर से बात करना जरूरी है क्योंकि मार्केट का किंग तो यही है बिटकॉइन का। यदि आप गूगल ट्रेंड देखोगे तो उतना ज्यादा बिटकॉइन को अभी भी सर्च नहीं किया जा रहा है मार्केट के अंदर, यानी कि ये नेगेटिव एस्पेक्ट डेफिनेटली मैं मानता हूं। और इसी तरीके से आप देखोगे तो बिटकॉइन का जो रेंज है वो भी $25,000 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ये रिसेशन का टाइम है, क्योंकि रिसेशन के टाइम में बहुत सारी चीजें होती है जो फैक्टर डिपेंड करता है, और उनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज के टाइम पे नहीं हो रही है। तो ये चीज आपको नोट करनी है, जिसके बाद आप ये डेफिनेटली नहीं कह सकते कि ये जो टाइम है वो रिसेशन का टाइम है। और यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ऑल्ट सीजन आने वाला है, तो उसका भी मैं आंसर अभी दे देता हूँ। देखिए, ऑल्ट सीजन का आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे पहले बिटकॉइन के अंदर एकदम से तेजी आती है, जो कि हमको इस वक्त नहीं नजर आ रही है। हमको नजर आ रही है इथेरियम के अंदर, जो कि डायरेक्ट यदि हम बात करें ऑल्ट सीजन किस तरीके से स्टार्ट होता है, तो ये कोई तरीका नहीं होता ऑल्ट सीजन का स्टार्ट होने का। बिटकॉइन के अंदर तेजी आती है, उसके बाद इथेरियम में आती है। इथेरियम के अंदर जो आपको तेजी नजर आ रही है वो मर्जिंग के कारण होने वाली है, जो कि वो प्रूफ ऑफ वर्क से लेके प्रूफ ऑफ स्टेक पे आने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके बाद आपको एकदम से वहां पे तेजी नजर आ रही है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो तरीका है किस तरीके से ऑल्ट सीजन डेवलप होता है, वो सबसे पहले आपका बिटकॉइन होता है जो कि मार्केट को लीड करता है, उसके बाद आपके इथेरियम लार्ज कैप कॉइन्स आते हैं, फिर मिड कैप कॉइन्स आते हैं, उसके बाद जितने भी आपके लो कैप कॉइन्स हो गए या फिर आपके मीम टोकन्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो ये तरीका होता है। तो इस तरीके से अभी तक ऑल्ट सीजन भी हम नहीं कह सकते कि हमारा ऑल्ट सीजन आने वाला है, तो वो अभी हमको नजर नहीं आता। तो यही कुछ बातें थी जो कि आपको बतानी थी। बाकी ये वीडियो में कुछ भी आपको नया सीखने को मिला हो तो डेफिनेटली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। यही तरीके होते हैं जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी क्रंची बातें लेके आऊं जो कि आपको मार्केट में समझने में आपको हेल्पफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।